दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने मोबाइल में ईयरफोन को कनेक्ट किया हो एंड उसके ठीक बाद ही आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो अपने आप इनेबल हो गया हो, या फिर आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन हर वक्त आती है कि गूगल असिस्टेंट फॉर योर हेडफोन इज रनिंग इन बैकग्राउंड। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आज की वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ऐप को ओपन कर लेना एंड वहाँ पे प्रोफाइल पिक का ऑप्शन आपको दिखेगा टॉप राइट कॉर्नर में, उस पर क्लिक करके आपको सेटिंग्स पे चले जाना है एंड यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जहाँ पे गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे दोस्तों तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइसेस का, उस पर आपको क्लिक करना है एंड वायर्ड हेडफोन्स पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे टॉप पे आप जब देखेंगे एक आपको ऑप्शन दिखेगा गेट हेल्प फ्रॉम गूगल, तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये इनेबल होगा, आपको सिंपली बस इसको डिसेबल कर देना है। एंड दोस्तों, अब आप जब भी अपने मोबाइल को ईयरफोन के साथ यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, जो गूगल असिस्टेंट है वो अपने आप इनेबल नहीं होगा। एंड अगर आपको गूगल असिस्टेंट को परमानेंटली डिसेबल करना है तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको आई बटन में पॉपअप हो जाएगी, तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखें। एंड दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उससे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोज मिल पाए। एंड दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।